हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें रिसाइकल करते हैं। उसमें सबसे पहले नाम आता है ग्लास, प्लास्टिक, पेपर्स, कार्डबोर्ड्स, मेटल्स। लेकिन क्या आपने कभी सस्टेनेबल फैब्रिक का नाम सुना है, सस्टेनेबल फैशन का नाम सुना है? आइए बताते हैं हमारी इस वीडियो में। वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। मैं हूं चारू शाह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टॉलीवुड बज। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो के टॉपिक है सस्टेनेबल फैशन। जी हाँ दोस्तों, अजीब लगाना सस्टेनेबल फैशन, ये किस तरह का फैशन है? जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा फैशन है जो कि ली कूपर इंडिया ने पहल की है, जो कि एक रिसाइकल तरह का मटेरियल है, जो कि सिगरेट बर्ड जो होती है, सिगरेट का जली हुई सिगरेट का पिछला हिस्सा, उसको रिसाइकल करके उसमें से फैब्रिक बनाया जाता है। जो सिगरेट बर्ड होते हैं उसको जमा करके उसको रिसाइकल करते हैं और उसको फिर डिसइंफेक्ट करके उसको इस तरह के फॉर्म में लाया जाता है जो कि एक कॉटन की तरह बनता है और फिर उसको जींस में तब्दील किया जाता है। और उसमें से एक नया फैशन लॉन्च किया है ली कूपर इंडिया ने और उस जींस का नाम है सस्टेनेबल फैशन, सस्टेनेबल फैब्रिक। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी की बात कर रही हूँ, सस्टेनेबल फैशन की बात कर रही हूँ, जो कि सिगरेट बट से बनाया गया है, जो कि बहुत ही अलग तरह का फैशन है, जो कि एक तरह का जींस ही है, लेकिन जो रेगुलर जींस होता है वो एक तरह का अलग थ्रेड्स में से बनता है, लेकिन ये इसके थ्रेड्स बनते हैं सिगरेट बट्स में से और उसी में से जींस बनाया जाता है, जिसका आज लॉन्च था ली कूपर इंडिया ने इस फैशन का लॉन्च किया, जिसमें करण कुंद्रा को इनवाइट किया गया था। करण कुंद्रा चीफ गेस्ट थे, जो कि करण कुंद्रा कोयम्बतूर वहाँ पे उनका शूट चल रहा है, वहाँ से सीधा इस लॉन्च पर आए थे। और जिस तरह से करण की एंट्री हुई, करण ने भी पूरा डेनिम का ही पहना था, लेकिन ये जिस लॉन्च में आए थे वो डेनिम एक अलग तरह का डेनिम हो, जो कि एक नई पहल की है ली कूपर इंडिया ने मिलकर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सिगरेट बर्ड जो है बहुत सी जगह पे ऐसे लोग फेंक दिए जाते हैं और काफ़ी गंध फैलाता है सिगरेट बर्ड, लेकिन ली कूपर इंडिया ने एक नई पहल की है उसको रिसाइकल करके उसमें से डेनिम जीन्स बनाने का, जो कि बहुत ही अलग अजीब बात है। और इसका लॉन्च पे करण जब आए तो करण कुंद्रा एज़ यूजुअल बहुत ही, उनकी जो फैशन सेंस होती है बहुत ही अलग तरह की होती है, उनका जो फैशन सेंस है सब लोग उनको देखते ही रहते हैं। जब करण कुंद्रा की जिस तरह से डैशिंग एंट्री होती है वो खास तो देखने लायक होती है। और करण जैसे आए सब पैपराजी उनके पीछे थे, और आपने सभी वीडियोस देखी भी होगी किस तरह से पैपराजी सब उनके पीछे पीछे जा रहे थे, और जिस तरह से करण ने ये लॉन्च किया, उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया हमारे यूथ के लिए कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कई बार कई चीज़ें होती है हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, हम लोग अपने फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने यूथ के लिए एक मैसेज भी दिया कि इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। जो कि करण हमेशा यूथ को बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देते रहते हैं, हमेशा करण अपने यंगस्टर्स को बहुत ही अच्छी गाइडेंस देते हैं। लेकिन ये जो एक ब्रांड लॉन्च हुआ है, ये हमारे यूथ के लिए, हमारे इंडिया के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा। लेकिन दोस्तों, आपने ये क्लिप्स देखी कि नहीं, आपका क्या है कहना? आप प्लीज़ हमें अपने विचार कमेंट द्वारा जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।